नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के लंच टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास और अहम खबरें। घुघरा गांव में उप सरपंच के दो मकानों में चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस खबर को स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया गया। पूर्व उप सरपंच का ये मकान है, घुघरा गांव का ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो है चोरी हुई है। एक बार अंदर से हम आपको दिखा दें कि किस तरह की ये चोरी हुई है। इनको बुलाना भाई साहब को। भाई साहब, कौन कौन सी जगह पर ये जो चोरी हुई है एक बार हम आपको बता दें। चोर कहाँ कहाँ से जो है सामान लेकर गए हैं आप देख पा रहे हैं। ये कांच जो टूटा हुआ है, पूरा बिखरा हुआ कांच है। कांच का ये गेट था, उनसे खुला नहीं, लॉक था चोरों से। कांच का जो गेट है वो उन लोगों ने ये तोड़ दिया है। पूरा कांच का ये गेट पूरा बिखरा हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये एक कमरा था। इस कमरे में भी देखिए किस तरीके से जो सामान पूरा बिखरा हुआ है। यहाँ पर भी पूरा सामान जो है बिखरा हुआ है। घुघरा गांव का ये मामला है, दो घरों में जो है चोरी हुई है। लाखों का सोना, जिसमें कई सारे जेवरात जो हैं वो हैं, और लगभग घुघरा गांव का मामला है ये। और कौन सी जगह, एक और दूसरी, पूर्व उप सरपंच जो है उनके ये घर हैं। यहाँ पर लगातार दो दुकान जो मकान है उनमें चोरी हुई है। देख सकते हैं आप, अलमारी का जो ताला है, अलमारी को पूरा तोड़ दिया गया है। अलमारी का जो लॉकर होता है, ये पूरा लॉकर टूटा हुआ है। सिविल लाइन्स थाना पुलिस मौके पर आकर जो है जाँच करके गई है। एक ये छोटी जो सिंगारदानी होती है उसका भी जो है ताला टूटा हुआ है। इससे पहले की जो चोरी हमने आपको दिखाई थी, अजमेर का जो मार्केट है खारी की हुई, उसमें लगभग 3 से 4 दुकानों के जो है ताले टूटे थे। उसके बाद जो हमें सूचना मिली, घुघरा गांव के दो मकानों के ताले टूटे और काफ़ी सारी नकदी और काफ़ी सारा सोना के आभूषण जो है चोर चुरा कर ले गए। ये चोरी की वारदात आपके यहाँ हुई है? मैं कल किशनगढ़ गया हुआ था पूरी फैमिली के कारण, साथ में लेकर के पूरी फैमिली हम किशनगढ़ गया हुआ था। जो मेरी मदर है वो भी सिस्टर के पास में गई थी, हम भी गए हुए थे। तो हम कल शाम को बारिश आ गई, बारिश आने के कारण मानी पाए तो नाइट होल्ड किशनगढ़ में किया हमने। फिर बाद में वहाँ से हम सुबह निकले, सुबह आकर के देखा तो सारा मंदिर बिखरा हुआ था। यहाँ पर यहाँ पर मंदिर देख करके छोटा ब्रदर मेरा रहता है आरएचसी पुलिस के अंदर, अजय कुमार कलोसी, उसके घर में भी हम गए। वहाँ पर भी देखा तो सारा ताले वगैरह सारे बिखरे, टफन के ग्लास वगैरह सारे टूटे हुए थे। उसको भी एक एक चीज़ खंगा ली, यहाँ से भी एक एक चीज़ खंगा ली। उन्होंने बड़े इतमान से चोरी करी, आप देख रहे हो सारा मंदिर आपने देख ही लिया जी, मतलब एक एक चीज़ को नहीं छोड़ा। कितना सामान गया होगा भैया लगभग, अगर अंदाजा लगाएं तो? अपन दोनों 10 लाख रुपये दोनों मकान में मिला करके इतना। कैसे क्या क्या सोने की चांदी की? एक तो जो अब लेडीजों का जो आभूषण वगैरह होता है, सोने की अंगूठियाँ वगैरह है, सोने की झुमकियाँ वगैरह है, सोने की वो क्या बोलते हैं नाक की बालियाँ वगैरह है, सोने की कान की बालियाँ वगैरह है, ये वगैरह पड़ी हुई थी। चांदी के 3-4 जोड़ी पाइजेब उनकी थी विशेष की, और बच्चे की सोने की अंगूठी, मेरी खुद की सोने की अंगूठी, मेरी खुद की चेन थी, बच्चे की भी चेन थी। तो वो चांदी के अब पूजा करते हैं, पूजा के चांदी के बर्तन भी होते हैं दोनों घरों में से ही। दोनों घरों में से ही यही गया। और छोटे बड़े ब्रदर की भी क्या, वो मिसेज की अभी बच्ची हुई डिलीवरी हुई तो उनको भी 10-12 दिन से पैर गई हुई, यहाँ कोई था नहीं, उन्होंने देखा आराम से। उसके भी अभी यहाँ केस भी था, फिर भी 30-35 हज़ार मेरा केस था। छोटे ब्रदर के भी 8-10 हज़ार रुपये केस था, उस पर कुछ आइटम था चांदी का सोने का। अलवरगढ़ थाना क्षेत्र के नाका बाजार में अवैध देसी घूमर शराब बेचते हुए पुलिस ने हर्षवर्धन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। कल दिनांक 4/8/2021 को नाकामदार चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह जी द्वारा उनके जाब्ते के द्वारा मुखबिर की इतला मिली थी, गौरवपथ शक्तिनगर आम का तालाब में कोई युवक अवैध देसी घूमर शराब चोरी छुपे बेच रहा है, जिस पर इन्होंने वहां जाकर के दबीज दी, राउंडअप किया। उसके पास 72 पौवे देसी घूमर शराब के मिले, जिस पर कार्रवाई की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम है हर्षवर्धन सिंह राजावत उर्फ हनी, ये वहीं का रहने वाला है, नाकामदार चुंगी। जादूगर निवासी महिला ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट अलवरगेट थाने में दर्ज कराई। महिला ने बताया कि 8 साल से उसका पति लापता है, पुलिस गुमशुदा की तलाश कर रही है। मेरे पति राजेंद्र कुमार 8 साल से लापता हैं।
मैं भी ढूंढ रही हूँ, पुलिस भी ढूंढ रही है, लेकिन कोई अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। और वो रेलवे कर्मचारी थे, उनकी उम्र उस समय 52 साल थी। एक महिला है सोना देवी, जादूगर की रहने वाली है। इसका पति रेलवे में सर्विस करता था, जो लगभग 8 साल से घर से गायब है, जिसकी काफ़ी तलाश की गई थी। इन्होंने यहाँ गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसकी जांच हमारे द्वारा की जा रही है। हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चला है। आगे भी प्रयास जारी है, जैसे भी होगा सूचित किया जाएगा इनको। पुष्कर सरोवर में बहकर आए सांपों को लगातार पुलिस मित्र टीम द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दूसरे दिन 45 सांपों को टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। टीम पुलिस मित्र पुष्कर द्वारा कल रात्रि सरोवर पे सांपों को पकड़ने का अभियान चलाया गया और करीब 45 सांपों को, जो बारिश के पानी के साथ बहकर सरोवर में आ गए थे, उन्हें सुरक्षित रूप से पकड़कर पुनः जंगलों में छोड़ा गया। पुलिस मित्र टीम पुष्कर की पुष्कर आज में जो बहके आए हुए सांपों को पकड़ने का अभियान चलाया, उसमें से 45 सांपों को पकड़ के जंगल में छोड़ दिया। सामरा शर्मा, पुलिस मित्र टीम पुष्कर। खाड़ी खोई डिग्गी बाजार क्षेत्र में शातिर चोरों द्वारा 3 दुकानों के ताले तोड़े गए, जिसमें से चोरों द्वारा एक दुकान से 20,000 का सामान निकाल लिया गया। कपड़ों की दुकानें यहां पर है, जूतों की दुकानें यहां पर है, किराना की दुकान यहां पर है। दरगाह बाजार से सटीक ये रास्ता पड़ता है, दो थाना क्षेत्र यहाँ पर पड़ते हैं, एक है कोतवाली, दूसरा है कलेक्टावर। और यहाँ पर जो है 3 दुकानों के ताले टूटे हैं, जिसमें से एक दुकान पर लगभग 20,000 से 25,000 रुपये की जो है चोरी हुई है, और दूसरी दुकान जो है उनके शटर तोड़कर जो चोरी का प्रयास यहां पर किया हुआ है। काफ़ी भरा हुआ एरिया है, लोगों के अनुसार यहां बताया गया कि जो चोर है वो असफल रहे कई दुकानों में। देखिए जिस तरीके से ये जो शटर है पूरा टेढ़ा टेढ़ा जो है पड़ा हुआ है, और जो दुकानें हैं और जो बेकरी है उसमें भी ये जो है, ये सामने आप बेकरी देख रहे हैं, इसमें लगभग 20,000 से 25,000 रुपये की यहाँ चोरी हुई है ना। और खारी कुई का ये एरिया कहलाता है, काफी भरा हुआ ये एरिया कहलाता है। इधर आओ भैया, एक बार बताओ थोड़ा सा कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ था, बताओ। एक तो ये शटर, हाँ ठीक है, अच्छा ये, और ताले वाले भी टूटे, अच्छा अच्छा शटर डैमेज कर दिया पूरा। और आगे सामान क्या क्या गया, सामान सामान क्या क्या गया आपका सामान? ये जैसे ये जो पड़े थे घी के पीने की, एक एक मिनट भैया बताओ, सुबह जब आया जब क्या देखा आपने? सुबह एक्चुअली क्या है, मैं 6:30 7 बजे आया, मेरे को फोन आया कि आपके दुकान की चोरी हो गई। 7:30 बजे मैं करीब आया तो देखा ये शटर वटर जैसे भी टूटे हुए थे, और मेरे को जैसे किसी ने चौकीदार ने भी नहीं बताया, और इस तरीके से मतलब 5 बजे के बाद में मतलब किसी ने शटर वटर तोड़ा है, ताकि दिखाई दे कि भाई लोगों ने ऐसे किया। और फिर ये दीवारें वीवार जैसे टूटी हुई जैसे पूरी धीरे धीरे करके सेट किया है, मतलब। कितना सामान चोरी हुआ आपका लगभग? ऐसा समझ लो कि सर ऐसा मतलब 10-15 हज़ार का तो मतलब सामान होगा, और टोटल 20-22 हज़ार रुपए की सामान भी है ना। पुलिस में शिकायत दी इसकी? पुलिस में शिकायत नहीं, वो पार्षद साहब आते हैं, उनको बता दिया, क्योंकि पुलिस आई थी। क्या हुआ था अंकल जी, क्या केस, कौन सी जगह कहलाती है, कौन सा? हाँ क्या हुआ यहाँ पे? ये दुकान में शटर तोड़ के अंदर घुसे, थोड़ा सामान लिया। कितनी दुकान होंगी ऐसी? 3 सामने दुकान है, एक नीचे क्या मानते हैं अंकल, भरा हुआ एरिया है पूरा? 3 दिन से लाइटें बंद पड़ी, अंधेरा लगा हुआ है। 3-4 बार पार्षद को बोला, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन है पार्षद? पार्षद खंडेलवाल जी है, और ये हमारे प्रकाश बंसल की वाइफ है पार्षद, वो तो आते ही नहीं हो जो तो जीत गए। तो अभी क्या स्थिति, कल क्या हुआ? हमारा भी जो 4 दिन पहले मेरा भाटा तोड़ दिया दुकान का, हैप्पी कैंडल का, मैंने बनवाया परसों से, कल फिर होते होंगे। तो लगातार के चोरियां हो रही है, होने का प्रयास हो रहे हैं। प्रशासन से हमारा आग्रह है कि निवेदन है कि आप यहाँ पे चौकी बढ़ाइए, थोड़ा बहुत अलर्ट रहें।
ऐसे बिल्कुल नहीं है। क्या होना चाहिए अंकल जी, बाजार पूरा भरा हुआ बाजार है, क्या होना चाहिए? गश्तगर नहीं होती, रात को लाइटें बंद रहती है, लाइटें फायदा रहता है वो, और चोरी करने की कोशिश की, ताला एक कोने को नहीं खुला, दूसरा खुला, तीसरा निकला, ताले टूटे नहीं है, ऊपर नहीं हुआ। तो आसपास के लगभग कितनी दुकानें होंगी अंकल? 70 दुकान, 3 दुकान ताले टूटे हैं, और एक का दुकान है, कुल मार्केट में 70 दुकान है, 70 व्यापारी संघ में 70 दुकान है। स्वामी न्यूज के कार्यक्रम योगा व स्वास्थ्य में योग आचार्य हेमंत द्वारा योग से आत्मिक बल और शारीरिक बल प्राप्त करने के लिए जानकारी दी गई। योगा कार्यक्रम स्वामी न्यूज पर प्रातः 6:30 पर रोजाना दिखाया जाता है। योग से बलवान बने, योग से दुर्बलताओं को भगाएं। योग हमारी दुर्बलताओं को भगाता है, निर्बलताओं को भगाता है। तीसरा अभ्यास, श्वास बाहर। हर अभ्यास को हम दो दो बार करें, फिर श्वास बाहर दूसरी ओर चले, श्वास भरें वापस, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरे वापस, फिर श्वास बाहर। हर प्रकार का बल, आत्मिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल बढ़ाने के लिए योग के कुछ व्यायाम और प्राणायाम हम करें। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं ऐसे, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर ले जाएं। विपरीत दिशा से भी ऐसे ही करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अगले बुलेटिन टी टाइम में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत। कैमरा देखो, तो वो कैमरा छोड़, वो कैमरा देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। सॉरी सॉरी सिस्टर, सॉरी सिस्टर, चलो ब्रदर। सीपी प्लस HD सिक्योरिटी कैमरास, ऊपर वाला सब देख रहा है। फिनिश। कमला कमला कमला, वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। सीपी प्लस HD सिक्योरिटी कैमरास। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। जंगलियों, जंगल में मोर नाचा, सबने देखा सबने देखा, वो देखो सीपी प्लस। ऊपर वाले को अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। नाइट विजन। सॉरी, अब नो मोर चोरी। ओवे। ओके। CP Plus Intelligent Security Systems. Be careful, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। CP Plus Intelligent Security Systems. Be careful, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है।